मॉर्निंग गाइस, एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अभी सुबह मैं उठ के मैं नहाई हूँ, जस्ट नहा के पूजा की हूँ। और यहाँ पे मेरा आंसू अभी सो रहा है, सोया नहीं है, टीवी देखा है, और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। और मैंने तो किचन का सारा काम कर लिया है, बस अभी मुझे खाना बनाना है। तो आज क्या बनाऊँगी? आज तो अभी इतना ठंड है ना कि चावल बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो आप अभी मैं बनाऊँगी रोटी, मतलब जब फुलका बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग को दिखते। तो गाइस अभी देखिए, मैं पत्ता गोभी और ये है सेमी और एक दो बैंगन, इसको मिक्स करके मिक्स वेज सूखी सब्जी बनाऊंगी। आटा नहीं है अभी घर में, ये अभी तक उठे हैं, देखो थोड़ा देर उठे हैं, अभी उठे भी नहीं हैं। इनको बोली हूँ जाके दुकान से आटा लेके आइए, आटा लेकर आएंगे फिर मैं बनाऊँगी फुलका रोटी, क्योंकि ठंड में तो दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा है। अभी इनके लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी, सेमी और बैंगन काट लिया है, और यहाँ पे थोड़े से प्याज भी काट लिए हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं अब। तो गाइस यहाँ पे तेल भी ख़त्म हो गया था, तो तेल लेकर आया, उसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही थी। और आटा बस एक ही पैकेट लाए, क्योंकि अभी पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, तो आटा नहीं लेकर आ पाए, तो बस इसीलिए एक पैकेट आटा लेकर आए। और हमारे घर में इतना प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, राशन भी भर नहीं पाते हैं अच्छा से, अकेले काम करते हैं, क्या क्या एडजस्ट करेंगे पता ही नहीं चलता। हम लोग का तो बेंगलोर में बस किराया देने में ही चला जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे तेल डाल दी, अब मैं बनाऊँगी सब्जी। और देखिए मैंने यहाँ पर प्याज वेज सब डाल दिया, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आटा डाल दे रही हूँ, आटा गूंदने का तैयारी हो रहा है, अभी आटा गूंद लेंगे फिर जल्दी से बनाएंगे चपाती, क्योंकि मेरे आंसू को भी अभी लग रहा है भूख, तो जल्दी से गूंद लेते हैं आटा। और साथ साथ सब्जी भी बना रही हूँ, और सब्जी मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से बहुत अच्छा पकता है, तो इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनता है, और ये रोटी के साथ फुल्का के साथ बहुत अच्छा लगता है। और झटपट आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मेरा आटा गूंद के रेडी है, और इसको ओपन करके देखते हैं थोड़ा बहुत फ्राई हुआ कि नहीं। और बाप रे, हाथ तो मेरा जल ही जाता अभी। मैं ही कैमरा पकड़ रही हूँ, क्या करूँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं। तो अच्छे से इसको उल्टा पलटा के अच्छे से ढक ढक के पकाएंगे। और मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए, और इसको ढक के रख दिया आटा को। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकन मसाला, और कुछ सब्जी मसाला नहीं था तो। और यहाँ पे आंसू देखिए कैसा नंगा सोया हुआ है। हल्दी डाल देते हैं, चिकन मसाला भी डाल देते हैं। और ये मेरा आंसू यहाँ पे मोगली देख रहा है, जाओ जाओ बेटा जाओ वहाँ पे देखना जाओ, देखिए कितना अच्छा कलर आया सब्जी में। इसमें पत्ता गोभी आलू, सेमी और मैंने बैंगन मिलाया है मिक्स वेज। तो मेरा दूध भी साथ ही साथ उबल रहा है। आंसू तो सब्जी में रोटी नहीं खाता, तो उसके लिए अलग से दूध लाते हैं, और दूध में ही उसको रोटी भिगा के खिलाते हैं। और यहाँ पे हमारा सब्जी हो गया रेडी, देखिए कितना अच्छे से पक गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं अब निकाल रही हूँ तवा निकाल लेते हैं, इसको अच्छे से धो लेंगे। और क्योंकि इसमें धूल जमा था, मैंने धो कर रखा था फिर भी, तो इसको धो लिए। अब यहाँ पे रख देते हैं तवा गर्म होने के लिए, फिर जल्दी जल्दी से एकदम फटाफट चपाती बेलेंगे, और उसके बाद जल्दी सेक देते हैं, क्योंकि आंसू के लिए दूध गर्म हो चुका है, और उसको फिर जल्दी से एक रोटी बना के दूध में भिगोना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा देर भीग जाएगा दूध में, फिर उसको खिलाएँगे, ऐसे ही तो खा नहीं पाता है वो। तो अभी मैं देखिए जल्दी जल्दी यहाँ पे मस्त गोल गोल चपाती बनाती हूँ। नीचे से अच्छा से पोंछ लेते हैं, मेरे पास वो क्या बोलते हैं चौकी नहीं है, तो मैं यही टाइल्स है जो किचन रैक, उसी में करके अच्छा से बेल लेती हूँ, उसमें भी हो जाता है, बस आप अच्छे से क्लीन करोगे ना, क्लीन करके बेलोगे तो उसी में हो जाता है। देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड भी क्या क्या कर रहे हैं, सामने आ जा रहे हैं कैमरे के। और देखिए अब चपाती जल्दी जल्दी फटाफट एकदम से बेल लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम करेंगे, आंसू को मेरा खाना खिलाना है। तो दोस्तों मेरा हस्बैंड का तैयारी हो रहा है काम पे जाने का,
वो पानी डाल रहे हैं, आप लोग देखिए जल्दी जल्दी वो भी खा के जाएंगे ड्यूटी। उनका टाइमिंग रहता है बट उनका अपना मर्जी है, लेकिन 12 बजे से स्टार्ट है कंटिन्यू जाना जोमेटो में काम करते हैं। तो फटाफट चपाती बेल लेते हैं, मैंने रख दिया तवे पे सेकने के लिए, सेक लेते हैं चपाती को अच्छा से। देखिए मैंने आंसू के लिए अब दूध निकाल ही दिया है, क्योंकि एक रोटी रखी हूँ बनाने के लिए, रोटी जब बन जाएगा फिर उसको तोड़ तोड़ के उसमें डाल देंगे। चीनी भी डाल देते हैं, चीनी चीनी नहीं डालेंगे तो खाएगा नहीं बिना चीनी का, और वो सब्ज़ी में खाता अगर तो सब्ज़ी में ही खिला देते, बट क्या करे वो सब्ज़ी में नहीं खाता है, कभी भी हम लोग फुल्का बनाते तो सब्ज़ी में नहीं खाता है वो, उसको दूध में भीगा हुआ चाहिए तो वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाता है। गाइस हमारा रोटी बन गया है, देखिए अभी हम लोग खा रहे हैं रोटी सब्जी, और ये रहा आंसू का, और आंसू देखिए टीवी देख रहे हैं। तो अभी हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं,